अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ शान मसाले के पैकेट से कीमा। सबसे पहले मैंने ये ऑयल लिया है और मैं इसे थोड़ा सा तेज़ गरम कर लूँगी। और मैंने बारीक करी हुई है प्याज, मैं बारीक प्याज कटी हुई शामिल करूँगी। ये आज छोटी सी प्याज है, एक अदद प्याज ली है मैंने। इसमें मैं लहसुन अदरक भी मैंने शामिल कर दिया था, वो क्लिप मिस हो गया था मुझसे। और इसमें कीमा, ये मेरा आधा किलो कीमा लिया है, तो मैं शान मसाले का पैकेट भी आधा ही डालूंगी। और मैं इसमें ही डाल के और इसे शान मसाले का पैकेट आधा यूज करेंगे हम। फिर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी ये फ्रीज है तो हम इसे थोड़ा सा नरम होने तक का वेट करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसे ढक देंगे ताकि ये जो हमारा कीमा है ये नरम हो जाए। जैसे ही हमारा कीमा नरम हो जाएगा तब हम इसकी भुनाई करेंगे। जो हमारा पानी है ये ज़रा खुश्क हो जाएगा। अब हम कीमे की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो हमारा पानी था वो खुश्क हो जाए। पानी जैसे ही खुश्क हो जाएगा हम इसमें दही डालेंगे और दही डाल के हम इसे अच्छे से भूनेंगे। और साथ में भी हम टमाटर मैंने बारीक स्लाइस काट लिए थे, दो अदर टमाटर हैं बड़े वाले साइज के थे, मैं ये टमाटर इसमें डाल दूंगी। इस तरह फैला देंगे, इस तरह जल्दी जरा टमाटर जल्दी गल जाते हैं। हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि कीमा भी हमारा गल जाए और टमाटर भी। और अब हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे खोल के इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे कीमे की। और जो टमाटर है हमारे ये भी अच्छे से घुट जाएं। और बस हमारा कीमा रेडी है, भुन चुका है। अब इसमें हम हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल करेंगे। ये हमारा कीमा रेडी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।